घर पहुंचे थी जनाब, और घर में बस ऐसे 10 to 15 मिनट्स रेस्ट किया है, और उसके बाद हम दोबारा निकल आए हैं और खाने के लिए निकले हैं इस दफ़ा। और हमारे साथ हैं जी अरसलान भाई, जो कि शर्मा रहे हैं माशाल्लाह। तो जी बस घर से जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं कि कहाँ पे खाना खाएंगे। अम्मी अबू वाले पहले से गए हुए हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप भी पहुँचे, तो जी हम भी पहुँच जाते हैं। ये जनाब नेक्स्ट स्टॉप है हमारा मेट्रो, मेट्रो पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए आए हैं अम्मी अबू और कामराम भाई। तो पहले हम इधर जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो है खाना खा। जी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं अम्मी अबू को, और ये देखे जी ये स्ट्रीक लगा रहा है। स्नैपचैट स्ट्रीक ने ना बड़ा ही ख़राब कर दिया बच्चों को। अम्मी जो है अपनी साथ में कुर्सी भी लेके आई हैं, और वो बीच बीच में बैठ जाती हैं। हल्का हल्का जी सॉन्ग भी चल रहा है, और ये बच्चा क्या हुआ है क्या? अच्छा तो बस यहाँ से निकल के खाना खाने जाएंगे। पेंसिल बहुत पड़ी है घर में, मैं देती हूँ आपको। अच्छा वही करते हैं करते हैं करते हैं। ग्रोसरी जो है फिनिश हो चुकी है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं। कामरान भाई की फैमिली जो है वो भी पीछे है। नेक्स्ट स्टॉप जी मॉल ऑफ मुल्तान। तो यहाँ से कुछ खाएंगे, यहाँ पे ये है कि ज़रा वैरायटी मिल जाएगी हमारे यहाँ पे। हम ओके उतरते हैं। छोटा फंक्शन है तो उसके लिए हम कुछ नहीं लेते, घर का फंक्शन है। तो बाकी फंक्शंस के लिए जो है हम शॉपिंग के साथ साथ क्लचेस भी लेंगे, जूतियाँ भी लेंगे। ये जी अबू की गुफ्तगू। बाहर निकल आए हैं, यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। तो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी अभी, तो गाड़ियों में बैठते हैं, घर जाते हैं। फिर वहाँ पे अम्मी की तरफ थोड़ा सा काम और है, वो करने के बाद फिर घर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। तबीयत नहायत नासाज है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गला नज़ला ज़ुकाम, मुझे स्नीजिंग एलर्जी है, जिसकी वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है जी। यहाँ पर आए थे हम टेलर के, कुछ पार्सल्स देने थे। ये देखिए सारा मैंने डैशबोर्ड अपना भरा पड़ा है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे किसी का वेट करना था पार्सल्स के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ख़रीद लिया जाए बच्चों के लिए, समोसे और जलेबियाँ। हारिस बहुत शौक से खाता है जलेबियाँ। तो इरफान साहब गए हैं जी अंदर जलेबियाँ लेने, और चेक करें कि यहाँ पे किस कदर रश है। चेक करें आप ज़रा, धड़ाधड़ वो निकाल रहे हैं और धड़ाधड़ इनका बिक रहा है। चेक करें, और यहाँ पे बाहर रश भी चेक कर लें आप। बस यहाँ से फारिग होते हैं और फिर चलते हैं आगे। मैंने सुबह से अपडेट नहीं की, सुबह से इतना शदीद काम था, इतना शदीद, और ऊपर से जुकाम भी था, काम था तो जुकाम भी था। तो
ये देखें जी, ये सारे मैंने कपड़े बोरे में डाले हुए, इतने सारे हैं जो शिपमेंट में जाने हैं। इन सब के साइजेस किए, इनको पैक किया और इनको कंप्लीट किया। सारे कामों से फारिग होने के बाद जनाब घर आके तो मैं गई थी लेट, सो तो नहीं सकी मैं, लेकिन तबीयत ख़राब थी और काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था आज, तो मैंने कुछ नहीं पकाया। तो बच्चे के साथ बाहर निकले हैं कुछ खाने के लिए, तो इंशाल्लाह किसी जगह पे चलते हैं और खाते हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, देखें जी हवा चल रही है माशाल्लाह। घर से निकले हैं जनाब, देखें कि कहाँ जाते हैं। और आज है जुमेरात और कल इंशाल्लाह जुमा है, तो जुमे वाले दिन काफ़ी सारे काम होते हैं। और कल आई थिंक हमदान का पेपर है। हम जनाब आधे शहर का चक्कर लगा चुके हैं और हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। किसी को पिज़्ज़ा खाना है तो किसी को नहीं खाना, किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ खाना है। तो इतने सारे लोग नहीं हैं हम, लेकिन सबकी पसंद सबसे अलग अलग है, इसलिए जो है बहुत देर से हम सड़कें नाप रहे हैं। तो बिलाखिर जनाब एक जगह पे जाने का डिसाइड हुआ है, तो उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको अपडेट। आप काफ़ी सारी रिसर्च के बाद यहाँ पे आए हैं और इन्होंने अपनी ब्रांड जो है, पहले ये वाला था, अब इन्होंने इधर इधर सेटल किया। चलो अब अंदर चलें, अंदर चलें। और बच्चे सारे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। दान कैसे है? फूड वाज वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह एज यूजुअल। और बच्चे जो हैं अब वहाँ से सौंफ ले रहे हैं, ये बच्चों की अलग से इंजॉयमेंट लग जाती है। तो हम चलते हैं नीचे, इरफान साहब जा चुके हैं। गाड़ी जनाब सामने खड़ी है और आई थिंक 12 o'clock से ऊपर का टाइम हो गया, क्योंकि निकले भी लेट थे और फिर उन्होंने डिसाइड करने में बड़ा टाइम लगा दिया। तो चलते हैं जी घर। खाना खाने के बाद जी ये जो प्लाजा है ना, ये काफ़ी लंबा है और उसके बाद है रोड। तो इरफान साहब और बच्चे जो हैं चक्कर लगाने लग गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ रहे हैं इरफान साहब और बच्चे। घर आ गए थे जनाब और मैं और हमदान ले चुके हैं, क्योंकि हमदान का है पेपर और हारिस पढ़ा है नमाज। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। इस उम्मीद के साथ के खुश रहें और ढेरों खुशियाँ बांटें और हमें दुआ में याद रखें। तो कल तक के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।